नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले अपडेट देखने के लिए आप लोग यहां पे अपडेट का टाइम भी देख सकते हैं। अपडेट है 7 अप्रैल का और अभी शाम के टाइम 4:49 पर यह अपडेट आया हुआ है। तो सबसे पहले अपडेट लेकर आ रहा हूँ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मध्य प्रदेश बोर्ड से जुड़ी हुई पल पल की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छी तरह से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ भी आप लोग देख पाएंगे 7 अप्रैल 2019 का अपडेट है। एमपी बोर्ड रिजल्ट 2019 लाइव अपडेट यहां पे चलता रहता है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट को लेकर कमलनाथ जी का बड़ा बयान बताया, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। तो इस आर्टिकल में सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें बता दिया है कि किस दिन आपका रिजल्ट जारी होना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, यहां पे आप लोग देख पाएंगे मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट को लेकर कमलनाथ जी का बड़ा बयान बताया, इस दिन जारी होगा रिजल्ट। उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MPBSE हर वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा आयोजित करता है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में देरी नहीं की जाएगी। तो यहां पे सब कुछ साफ कर दिया गया है, इस बार जो है तो बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में देरी नहीं की जाएगी। और उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अप्रैल अंतिम हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। यानी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज 7 अप्रैल यानी कि एक हफ्ता तो चला गया, बस 2 हफ्ते बाकी है, बाकी 4th हफ्ता यानी कि 4th वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी। उसके बाद यहां पे बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2019 और एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा 2019 का आयोजन मार्च 2019 में कराया गया था। हर वर्ष एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में करीब 12 लाख और 12वीं की परीक्षा में करीब 8 लाख विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पिछले वर्ष एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 5 अप्रैल से 31 मार्च और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से 3 अप्रैल 2018 तक चली थी। पिछले वर्ष 2018 10वीं में 66% और 12वीं में 68% स्टूडेंट पास हुए थे। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष 14 मई को एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ ही घोषित कर दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार 15 दिन लेट जारी हुआ था, लेकिन इस बार 15 दिन पहले ही रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे कहना है कि 10वीं में अनामिका साध और हर्षवर्धन परमार ने टॉप किया था, वहीं 12वीं साइंस में ललित पचौरी, कॉमर्स स्ट्रीम में आयुषी, आर्ट स्ट्रीम में शिवानी पवार ने टॉप किया था। परीक्षा के नतीजे इस बार भी मई माह में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के नतीजे मध्य प्रदेश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। तो यहां पे कहा जा रहा है कि अगर 4th वीक में नहीं जारी हुआ अप्रैल में, तो फिर से एक बार मई माह में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। लगभग 15 से 20 दिन के अंदर आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। तो प्लीज कॉन्टेक्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।